स्टैंडर्ड 8, सब्जेक्ट हिंदी, भाषा क्लास। गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 8 चिल्ड्रेन। नाउ विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर वरदान। इट इज अ पोएम। दिस पोएम्स पोएट नेम इज रविंद्रनाथ टैगोर। एवरीबॉडी नो रविंद्रनाथ टैगोर आज विश्व कवि। ही वॉज बर्न 7 May 1861 एट कोलकाता। ही वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट पोएट but also a great writer of stories, plays and so many prose. Most of his famous books, Gitanjali, Gora, Master Saheb, Ghar Bahar, etc. He got Nobel Prize for his book, Gitanjali. Now I am going to explain one of his poems, Bardaan. Bardaan. आमतौर पर जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो सुख सुविधाओं और धन वैभव की कामना करते हैं, नहीं तो संकटों का निवारण करने की प्रार्थना करते हैं। किंतु इस कविता संपूर्ण भिन्न है। यहाँ कवि ने ईश्वर से उस भक्ति की याचना की है जिससे वो विपदाओं से कभी भयभीत न हो, उसकी भक्ति और पुरुषार्थ कभी न डगमगाए और उसका आत्मविश्वास सर्वदा बना रहे। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से वो कभी हार न माने। कवि ने ये प्रेरणा दी है उसको अपने ऊपर भरोसा रखकर और ईश्वर में आस्था और विश्वास रखकर कठिन से कठिन काम पर भी विजय लाभ करके आगे बढ़ेगा। यही उसका ईश्वर पर विश्वास है। ईश्वर ने इसके लिए उसे वरदान दे, यही चाह है मनुष्य का। वरदान प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, ये प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत न हो, यही वरदान दे। इसका अर्थ कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं करता कि आप मेरी विपत्तियों से रक्षा करें। मैं आपसे यह वरदान चाहता हूँ कि मैं उनसे डर कर अपने कार्यक्षेत्र से दूर न हो जाऊं। आप मुझे इस तरह वरदान दीजिए। नेक्स्ट स्टंजा, अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता, दुखों पर विजय पाऊं यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। अर्थात दुखी होने पर मैं आपसे सांत्वना या सहानुभूति की भिक्षा नहीं मांगता। मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं उन पर विजय पाने की शक्ति अर्जित कर सकूं। यही प्रार्थना है आपसे। नेक्स्ट स्टंजा, तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी यह वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं। अर्थात यदि मुझे आपकी सहायता न मिले तो भी मुझे ये वरदान दो कि मैं असहाय या दीन न बनूं, अर्थात असहाय या बेसहारा न बनूं। नेक्स्ट पैराग्राफ, संसार के अनिष्ट अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण न हुआ। अर्थात हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि यदि मेरे भाग्य में बुराई, अपमान, धोखा और कष्ट ही है तो भी मैं मन और विचारों से कमजोर ना पड़ूं। आप मुझे इस तरह वरदान दीजिए। नेक्स्ट तांजा, मुझे बचा ले ये प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया, केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। अर्थात मैं आपसे अपनी रक्षा करने की विनती नहीं करता, मुझे बचा लो ये प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया हूँ। मैं तो संसार के कष्टों को सहकर आगे बढ़ने की शक्ति मांगता हूँ। मुझे हे भगवान, मुझे ये वरदान दो कि अपार शक्ति लेकर हम किस तरह संसार में आगे बढ़ सकेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, मेरा भार हल्का कर दे
यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता। यह भार बहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख में भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, तब मैं शक्ति न हूं, यही वरदान चाहता हूं। अर्थात, हे प्रभु, मैं आपसे ये वरदान चाहता हूं कि अपने कष्टों का भार हल्का करने की प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। मैं ये वरदान चाहता हूं कि इस भार को लेकर अपना जीवन जी सकूं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकूं। यह जीवन में प्राप्त सुखों के लिए मैं तुझे सिर झुकाकर धन्यवाद देते समय देख सकूं। मैं यही वरदान चाहता हूं। साथ ही दुनिया द्वारा ठुकराए जाने पर जीवन की असफलताओं का सामना करते मेरे हृदय में किसी तरह का संदेह ना हो, मेरा तुझ में विश्वास बना रहे, केवल यही वरदान चाहता हूँ। हे भगवान, मुझे इस तरह वरदान दो कि हम हर संकट से पार करके आगे बढ़ सके। ये है इस कविता का भावार्थ। नेक्स्ट क्लास आई विल डिक्टेट ऑल द एक्सरसाइज एंड आंसर्स ऑल्सो। बाय, थैंक यू।